गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर इंग्लिश माई इंग्लिश रीडर. टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर पेज नंबर 41. दिस इज अ न्यू साउंड, से डब्ल्यू एच व. इसको हम कैसे पढ़ते हैं? वह ऐसे व डब्ल्यू एच एज इन डब्ल्यू एच ए एल ई वेल. बिफोर रीडिंग दिस वी हैव टू राइट हियर टूडेज डेट. इट इज 2/9/2020. Let's start this. We will read it combinedly. W H W I T E. This is white. W H W. जब भी आपने इसको रीडिंग करनी है बेटा, ये आपने कंबाइन में ही बोलना है. पढ़ने में तो ये W H आएगा, पर जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ये W बनेगा. W I P. Whip. This is white and this one is whip. Now move to next. W H W. अ ल ई, तो क्या बन गया? वेल. अगर आप साउंड को क्लियर करेंगे व हे ल, तो वेहेल. ऐसे पढ़ सकते हैं आप इसे. डब्ल्यू एच व अ ट, तो क्या होगा ये? वाइट. डब्ल्यू एच व और वाई वाई. दिस इज वेल वर्ड वाई. नेक्स्ट डब्ल्यू एच व, ये साउंड आपने डबल ई पहले पढ़ी है, तो इसकी साउंड डबल ई लॉन्ग में जाती है. व ई ल, तो क्या हो गया? व्हील. W H W E R E where. W H W in N when. आप इन दोनों लेटर्स को भी ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं. दिस इज wheel where when. नाउ मूव टू नेक्स्ट. W H W I S is P E R per, तो ये क्या बन गया? whisper. नेक्स्ट W H W I S is T L E whistle. इसमें whistle की है, इसमें एक वर्ड आपका साइलेंट आएगा, तो आपने इसकी ध्यान से रीडिंग करनी है. उसके बाद है W H W is K E R S curs, तो ये है whiskers. दिस इज whisper, whistle, whiskers. नेक्स्ट W I C H it, which. आपने एक which पहले पढ़ा था, उसकी स्पेलिंग थी W I T C H, वो दूसरे लेसन में था. ये विच हम जो भूतने के लिए यूज करते हैं, ये वो वाला है. और ये विच होता है कहाँ? W H W I L E. दिस इज वाइल. दिस इज विच एंड दिस वन इज वाइल. रिपीट अगेन. वाइट, विप, वेल, वट, वाई, व्हील, वेयर, वेन, विस्पर, विसल, विस्कर्स, विच, वाइल. तो टूडेज your homework is to repeat it again and clear your sound W H W. It is over now. Okay beta, thank you.